राजधानी लखनऊ के इस्लामिया कॉलेज के पूर्व अध्यक्ष हाजमा खान के बड़े भाई सुएब खान 14 दिसंबर से हैं लापता। अपने निवास स्थान इस्लामिया कॉलेज से अपने कारखाने खतरा के लिए निकले थे। मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने FIR दर्ज कर ली। FIR दर्ज होने के बाद भी अभी तक नहीं लगा कोई सुराग। घर वालों को हो रही किसी अनहोनी की आशंका। आपसे चाहते हैं भाई, हमारे भाई जो है घर से 11 बजे करीब निकले थे लगभग, और यहाँ से उनकी जो आखिरी फोटेज देखी गई है वो खदरे में देखी गई है। खदरे में देखी गई है। जब उनको फ़ोन मिलाया गया तो उनका फ़ोन लगा नहीं। 1:52 में उनकी लोकेशन दिखा रहा था, सईद पीएच के आगे जो है CHL है, इसके पीछे टावर है, वहाँ उनको दिखा रहा था। इसकी सूचना जो है 15 तारीख को हमने पुलिस को दी, उन्होंने गुमशुदगी की जो है FIR दर्ज करी। उसके बाद पुलिस यही कह रही है कि हम लोग लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी सुराग नहीं लगा पुलिस के हाथ। कुछ भी गाड़ी थी अपाची, वो भी नहीं अभी तक की मिली है। मतलब यहाँ तक के कि अभी तक पुलिस कुछ भी नहीं ढूंढ पाई है। उनके मोबाइल, जाहिर है कि उनके पास अपना मोबाइल भी होगा, और मोबाइल से कोई चीज़, कोई लोकेशन उनकी अभी तक नहीं ट्रेस हो पाई। नहीं, आखिरी लोकेशन उनकी वही दिखा रहा है, सही पथ के आगे जो है CHL है, वहाँ की दिखा रहा है कि वहाँ मोबाइल बंद हुआ। आप उनके बड़े भाई हैं और छोटे हैं आप, वो आपसे बड़े थे, तो जाहिर है बहुत से उनके दोस्तों से भी आप जानते होंगे, भलीभांति परिचित होंगे, तो उनसे संपर्क साधा, किस तरह के उनसे लोगों के संबंध थे? जी देखिए, उनके जो पुराने दोस्त थे खास, जी जी, तो उसमें से ज़्यादातर बाहर हैं, और जो एक आध यहाँ पर है उनसे पूछा गया है तो उनसे ज़्यादा अभी तक रब्ता नहीं था। उनका जिन जिन लोगों से कारोबार था, एक लड़का है राजा खदरे के अंदर, जो टायर का काम जो शुरू करा था, तो उसके ऊपर भी पैसा ऐसा काफ़ी बाकी था, तो उससे मुलाकात उनकी हुई थी 11:00 जो है, 12:15 के करीब जो है, उससे मुलाकात खदरे पे हुई थी, चाय होटल पे।